यहाँ पे आज इस वीडियो में हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वेरिएंट जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुई है इसका कंपैरिजन टीवीएस स्टार सिटी प्लस के साथ करने वाले हैं। हो सकता है कि आप भी इस सेगमेंट में ये बाइक परचेस करने की सोच रहे होंगे, लेकिन आप कन्फ्यूज होंगे कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आएगी, किसको लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, तो सभी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक्सटेक वेरिएंट लेना चाहिए या फिर स्टार सिटी प्लस लेना चाहिए। तो कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल परिवार है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोनों के कलर ऑप्शन की। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको चार कलर ऑप्शन दे रही है। इसमें स्पार्कलिंग बीटा ब्लू, कैनवस ब्लैक, पर्ल व्हाइट और टोर्नाडो ग्रे शामिल है। तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस लेते हैं तो यहाँ पे आपको पांच कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपको ड्रम ब्रेक वेरिएंट में पांच कलर ऑप्शन मिलेगा और इसमें से जो तीन कलर ऑप्शन है वो आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट मिलेगा। जो आपको पांच कलर ऑप्शन मिलेगा उसमें ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड, ब्लू सिल्वर, ग्रे ब्लैक और रेड ब्लैक शामिल है। यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा कलर ऑप्शन, एक कलर ऑप्शन ज्यादा आपको स्टार सिटी प्लस में मिल जाती है। बाकी दोनों की डिजाइनिंग की बात करें कौन सा आपको ज्यादा पसंद आ सकता है, तो हीरो स्प्लेंडर प्लस की जो डिजाइनिंग पहले से चलती आ रही है वहीं आपको एक्सटेक वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नई ग्राफिक्स अब आपको देखने को मिल जाती है और थोड़ा सा चेंजेस भी किया गया है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट लुक देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें नया एलईडी हेडलैम्प सेटअप लगाया गया है, इसके फ्रंट वाइजर पे दिया गया है और यहाँ पे नया ग्राफिक्स आपको इसके हेड पे देखने को मिल जाती है। बाकी ओवरऑल डिजाइनिंग पहले वाली है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे साइड से भी इसका लुक पहले जैसी है, लेकिन आपको टैंक के ऊपर नया ग्राफिक्स और नया हीरो का लोगो 3D में आपको देखने को मिल जाती है। यही सेम ग्राफिक्स साइड वाले पैनल पे भी दी गई है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के साथ बैजिंग दी गई है। इंजन यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है, ब्लैक एलॉयस भी दिया गया है। एग्जॉस्ट सिस्टम पे क्रोम कवर लगा हुआ है। सीट इसमें आपको देख सकते हैं पहले जैसी देखने को मिल जाती है। पीछे कैरियर के साथ ग्रेवेल दिया गया है। तो इसके रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक सा टेल लैंप सेक्शन पहले जैसी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल लुक आपको एक्सटेक में मिल जाता है, नया ग्राफिक्स केवल देखने को मिल जाती है, नया DRS देखने को मिल जाता है। लेकिन वही अगर आप स्टार सिटी प्लस को देखते हैं तो यहाँ पे भी इसमें भी डिजाइनिंग पहले जैसी है, जहाँ पे फ्रंट में आपको हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है और दोनों हेडलैम्प के साइड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको ग्राफिक्स थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है। टैंक के ऊपर TBS की बैजिंग दी गई है, साइड वाले पैनल पे स्टार सिटी प्लस की बैजिंग मिल जाती है। तो इसका ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं, इसमें ज्यादातर पार्ट ब्लैक दिया गया है, इंजन ब्लैक दिया गया है, एलॉय व्हील्स ब्लैक दिया गया है और एग्जॉस्ट सिस्टम पे इसमें भी कवर लगा हुआ है। लेकिन इसमें सीट आपको थोड़ी सी प्रीमियम मिल जाती है, पीछे ग्रेवरेल दिया गया है और इसके रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक सा टेल लैंप सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो दोनों में से जो आपको लुक वाइज पसंद आए, जिसकी ग्राफिक्स आपको पसंद आए, उसको आप चूज कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करती है। तो इन दोनों के इंजन की अगर बात करें तो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में 97.2 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्टॉक सिंगल सिलेंडर प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो स्टार सिटी प्लस में 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ETF5 फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, यानी कि इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन आपको इसमें सिस्टम मिल जाता है। तो स्प्लेंडर एक्सटेक का जो इंजन है 8000 आरपीएम पर 7.91 bhp का पावर, जबकि 6000 आरपीएम पर 8.05 nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो स्टार सिटी प्लस का जो इंजन है 7350 आरपीएम पर 8.08 bhp का पावर, जबकि 4500 आरपीएम पर 8.7 nm का टॉर्क जनरेट करती है। दोनों बाइक 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है और दोनों में किक और सेल्फ स्टार्टर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों के पावर फिगर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ स्टार सिटी प्लस मिल जाती है, क्योंकि ये 110 सीसी सेगमेंट में आती है और स्प्लेंडर आपको लगभग 100 सीसी के लगभग इस इंजन के साथ आती है, तो ये आपको डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर आपको थोड़े से पावरफुल इंजन चाहिए तो ऐसे में आप स्टार सिटी प्लस के साथ जा सकते हैं। बाकी आगे सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर, तो इसके रियर में स्विंग आर्म विद 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। तो वहीं स्टार सिटी प्लस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है। तो यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप लगभग आपको दोनों में एक जैसी मिल जाती है, दोनों ही कंफर्टेबल बाइक है। बाकी दोनों के टायर साइज की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक के फ्रंट और रियर में 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, तो स्टार सिटी प्लस के फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। तो स्प्लेंडर प्लस के फ्रंट और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ नहीं आती है। तो स्टार सिटी प्लस के फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट के साइड आपको डिस्क के साथ स्टार सिटी प्लस में बेहतर मिल जाती है। अगर आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट चाहिए तो आपको स्टार सिटी प्लस के साथ जाना होगा, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। बाकी दोनों के कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, तो स्टार सिटी प्लस में SBT यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको हैलोजन हेडलैम्प के साथ LED DRS मिल जाता है, लेकिन इसकी DRS तभी ऑन होती है जब इसके बाइक को आप स्टार्ट करेंगे, इसमें अलग से DRS ऑन करने का स्विच अलग से नहीं दिया गया है।
लेकिन वहीं स्टार सिटी प्लस में आपको स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है। हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जो कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, और जब भी आप की लगाकर इसको ऑन करते हैं इसके डिस्प्ले में आपको हेलो टू माय हीरो ऐसा आपको वेलकम मैसेज आता है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में आपको स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, रियल टाइम माइलेज स्ट्रिप, सर्विस रिमाइंडर, ये सारी जानकारी मिल जाती है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको SMS और कॉल अलर्ट मिल जाएगा, बैटरी लेवल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर लाइट्स दिए गए हैं, लो फील इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, I3 स्टैंड इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर लाइट भी मिल जाते हैं। लेकिन TVS स्टार सिटी प्लस लेते हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलता है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। इसके एनालॉग में आपको स्पीड की जानकारी मिल जाएगी और ईको और पावर इंडिकेटर दिया गया है। तो इसके डिजिटल मीटर में आपको फ्यूल और ऑडोमीटर की जानकारी मिल जाती है, सर्विस रिमाइंडर इसमें दिया गया है और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी इसमें लगा हुआ है। तो ये आपको कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन देती है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, तो ऐसे में आप एक्सटेक के साथ जा सकते हैं। हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको साइड स्टैंड सेंसर मिल जाता है जो कि स्टार सिटी प्लस में भी लगा हुआ है। हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको क्रोम एग्जॉस्ट कवर देखने को मिल जाता है जो कि स्टार सिटी प्लस के भी एग्जॉस्ट सिस्टम पे क्रोम कवर लगा हुआ है। हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको USB सॉकेट मिल जाता है जो कि इसके हेड पे दिया गया है स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए, और स्टार सिटी प्लस के भी हेड पे आपको USB सॉकेट मिल जाता है जहाँ से आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको रियर कैरियर मिल जाता है ग्रेवरेल के साथ, लेकिन स्टार सिटी प्लस में केवल ग्रेवरेल दिया गया है, रियर कैरियर देखने को नहीं मिलता है। हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपको I3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिससे कि ट्रैफिक के समय आपकी थोड़ी सी फ्यूल की बचत होती है। ऐसा कोई स्विच आपको स्टार सिटी प्लस में या फिर ऐसी कोई फीचर्स अभी नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आगे जब अपडेट आएगी तो इसमें भी इंटेलिगो फीचर दे दिया जाएगा, तो फिलहाल के लिए अभी नहीं मिलता है। इसके अलावा स्टार सिटी प्लस में आपको प्रीमियम सीट मिल जाती है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको नॉर्मल से सीट मिल जाता है। इसके अलावा स्टार सिटी प्लस में आपको डुअल टोन का मिरर मिल जाता है जिसकी वजह से लुक थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में आपको नॉर्मल ब्लैक कलर का रियर व्यू मिरर दिया गया है, तो ये आपको डिफरेंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स में आपने डिफरेंस देख लिया है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा फीचर्स आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में मिल जाती है क्योंकि इसमें जो नया फीचर ऐड किया गया है फुली डिजिटल डिस्प्ले का, जिसके वजह से फीचर्स के मामले में स्प्लेंडर प्लस थोड़ी सी आगे निकल जाती है। इसके अलावा I3S टेक्नोलॉजी भी इसमें दी गई है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको फीचर्स में अंतर मिल जाता है। बाकी दोनों के माइलेज या टॉप स्पीड की बात करें, लेकिन उससे पहले क्लियर कर दूं, जो भी माइलेज या टॉप स्पीड में बताता हूं फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा कम भी हो सकता है, वो आपकी राइडिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस आपको आराम से 75 KMPL तक माइलेज दे देगी, तो TVS स्टार सिटी प्लस में आपको 65 से 70 KMPL तक माइलेज मिल जाती है। तो स्प्लेंडर प्लस की जो टॉप स्पीड है 90 KMPS तक है, लेकिन स्टार सिटी प्लस की जो टॉप स्पीड है 95 KMPS तक है। तो यहाँ पे माइलेज और टॉप स्पीड में थोड़े बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। डायमेंशंस की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक का जो लेंथ है 2000 mm, विड्थ 720 mm, हाइट 1052 mm, व्हील बेस 1236 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 165 mm, सीट हाइट 785 mm, फ्यूल टैंक 39.8 liters, का जो कर्व वेट है 112 kg है। तो स्टार सिटी प्लस का जो लेंथ है 1984 mm, विड्थ 750 mm, हाइट 1080 mm, व्हील बेस 1260 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 172 mm, सीट हाइट 785 mm, फ्यूल टैंक 10 liters, का जो कर्व वेट है 115 kg और 116 kg है। तो यहाँ पे दोनों के आप ग्राउंड क्लीयरेंस देख सकते हैं, बेटर ग्राउंड क्लीयरेंस आपको स्टार सिटी प्लस में मिल जाती है, सीट हाइट लगभग दोनों के सेम है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको ज़्यादा स्टार सिटी प्लस में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हल्की आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनकी प्राइसिंग की, जिससे कि आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेक में केवल एक वेरिएंट मिलता है, तो हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक एक्स रूम दिल्ली प्राइस 73,200 यानी कि 73,200 रुपये तक है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में आपको 84,750 यानी कि 84,750 रुपये के आसपास में मिल सकती है। तो TVS स्टार सिटी प्लस लेते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का। तो TVS स्टार सिटी प्लस का एक्स रूम दिल्ली प्राइस ड्रम ब्रेक वेरिंग के साथ 70,205 यानी कि 70,205 रुपये तक है, डिस्क ब्रेक वेरिंग के साथ एक्स रूम प्राइस 73,955 यानी कि 73,955 रुपये तक है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में ड्रम ब्रेक वेरिएंट 81,700 यानी कि 81,700 रुपये तक मिल सकती है। तो डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ ऑन रोड प्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 85,750 यानी कि 85,750 रुपये तक है। तो यहाँ पे इन दोनों के आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट से कंपेरिजन देख सकते हैं। यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक थोड़ी सी महंगी आपको मिल रही है, TVS स्टार सिटी प्लस थोड़ी सी सस्ती मिल रही है। इसका जो मेन रीज़न है, यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस में जो नया अपडेट दिया गया है, नया फुली डिजिटल मीटर दिया गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी महंगी मिल रही है, लगभग 3,000 से 4,000 का आपको फर्क देखने को मिल जाता है अगर आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट से कंपेरिजन करते हैं तो। और स्टार सिटी प्लस थोड़ी सस्ती और भी है क्योंकि ये 110cc सेगमेंट में आती है और स्प्लेंडर प्लस के 100cc के साथ आती है, फिर भी आपको सस्ती यहाँ पे TVS स्टार सिटी प्लस मिल रही है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है।
कौन से ब्रांड का आप परचेस करना चाहते हैं। लगभग मैंने सभी जानकारी इन दोनों से रिलेटेड जो भी है दे दी है। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी जानना चाहते हैं हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक और जो पुराने मॉडल आते थे यानी कि जो स्टैंडर्ड मॉडल आते हैं उसमें क्या डिफरेंस था, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इन दोनों में जो डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। इन दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा, कौन सा आप यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।